क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बात करें तो जो रेक्टेंगल इनस्क्राइब्ड होते हैं बने होते हैं एक सर्कल के अंदर, उसमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम रहता है। किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, काफ़ी आसान है। पहले मैं यहाँ पर एक ये और इस फिगर में ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल के अंदर यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है और वो रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करा हुआ है कि वो मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहा है। मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर ही होगा, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर क्यों है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, बड़ा आसान होता है ये काम। देखिए, एक बात तो आप यहाँ पर पहले बेसिक समझिए कि आपने आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, यानी ये एंगल 90 है, ये भी यहाँ पर ये सारे एंगल 90 है, और 90 एंगल अगर ये बन रहा है तो डेफिनेटली ये सेमी सर्कल में भी होगा। तो यानी कि ये जो यहाँ पर आपका डायगोनल है वो कहाँ से जा रहा है, डायमीटर से जा रहा है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर सेंटर पे, इधर सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है परिधि पे। तो इसका मतलब जो ये डायगोनल है ये कहां पर है, ये आपका डायमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कल में है। बात समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरे पास रेडियस है सर्कल की वो मैंने ए मान ली है, तो पूरा का पूरा डायमीटर कितना हो गया, 2a हो गया, और मैंने लेंथ को रेक्टेंगल को एक्स और ब्रेथ को मैंने यहां पर वाई ड्रॉ कर लिया है। आप इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, हम इसका नाम ले लेते हैं ए, मैंने यहां पर बी और ये सी और यहाँ पर मैंने डी लिख लिया है। बीच में ये जो सर्कल का सेंटर है जो डायगोनल के बिल्कुल बीच में है उसको मैंने ओ मान लिया है, और मुझे काम करना है इस ट्राइंगल के अंदर। आप सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए जहाँ पर मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूँ, डॉटेड पोर्शन है, सेडेड पोर्शन आप बोल सकते हैं इसे, तो इसके अंदर आप आ जाइए। ठीक है, आपने करना क्या है, आप समझ गए होंगे मेरी प्लानिंग की मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है और हमें पता है कि वी नो कि जो यहाँ पर आपका ए सी स्क्वायर होगा वो इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर, आ रहा है ना याद पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा ए सी कितना है, अगर आप ए सी की बात करो तो एक ए ये रहा आपके पास, एक ए ये रहा, यानी ए प्लस ए यहाँ पर आपके पास 2a हो गया, 2a का स्क्वायर इक्वल टू, और ए बी कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आपके पास आ गया है। ठीक है, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप यहां से किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, x की भी y की भी, लेकिन सुटेबल रहता है कि आप y की वैल्यूज को x की टर्म पे निकालिए, वो बेटर रहता है। तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास आ गया है। दैट इज y इक्वल टू क्या होगा कि आप स्क्वायर रूट में रखेंगे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात यह आती है कि भाई हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों एप्लीकेबल करी, क्यों हम इस काम पे लगे। अगर आप ध्यान देंगे, देखिए सोचिए जरा कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ कि भाई एरिया क्या होगा, क्योंकि उसने बात करी है ना एरिया की, इनस्क्राइब गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी एरिया के में हमें डिस्क्रिप्शन रखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी आपकी x, ब्रेथ कितनी आपकी y, तो x तो मैंने यहां रख लिया और y के प्लेस में मैंने क्या रखा, दूसरी जो वैल्यूज मैंने ऊपर रखी है यहां पर ये रही, y के प्लेस में मैंने यहां पे रख लिया 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने रख लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि आपके पास सारी की सारी जो टर्म है यहां से लेके यहां तक, ये जो वेरिएबल टर्म है ये एक्स में आ चुकी है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना काफी आसान पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा क्या होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, याद आ रहे वो कि हम जब ये कहते हैं कि भाई अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है रूट एक्स का तो वो किस तरह से आता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स, इस तरह से ये आता है ना, याद आ रहा है, वही काम हम यहां पर करेंगे। मल्टीप्लाई वन अपॉन, मैंने यहां पर ये ले लिया है और ये आ गया टू, पहले टू आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एज इट इज जो आपका ये पूरा का पूरा है, ये मैंने एक्स की तरह एज्यूम कर रखा है, तो ये पूरा का पूरा यहां पर आ गया है 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब
ये था नहीं एक्स, यहाँ तो ये यूनिट थी एक्स, इसलिए आपने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये काफ़ी बड़ा यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, आपने इसको एक्स अज्यूम कर रखा। दोबारा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4a² का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास आएगा -2x। बात समझे, ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन आपके पास है 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आप निकालेंगे, डायरेक्ट लिख दूं कि अगर आप डेरिवेटिव एक्स का करते 1 आता है तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। तो आपके पास यहां पर क्या ऑप्शन आ गया, देखिए सर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। तो जो है आपके पास हो गया यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में आपके पास आ गया है 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन आ गया। प्लस यहां पर आपके पास कितना है, यहां पर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप जो है इसका एलसीएम ले लीजिए एक बार। एलसीएम जब आप लेकेंगे भाई तो क्या आएगा, ये आपके पास स्क्वायर रूट और 4a² माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया है। इससे इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 1 आएगा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा आसान सवाल है। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको याद है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आफ्टर ऑल आपके पास एक्स स्क्वायर ये रहा, तो 4a² माइनस 2x² अपोन, और ये सारा जो आपके पास है 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ब्रदर आपके पास सारा का सारा, मेरी बात समझ रहे। तो ये क्या आया, ये डेरिवेटिव ऑफ जो हमने एरिया निकाला है, ए का डेरिवेटिव निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया। बात ये आती कि भाई ये मैक्सिमम है कि नहीं है, तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए तो बस एक ही फंडा होता है, शुरू से हम उस चीज को सीख रखें, और वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 4 मैक्सिमम और मिनिमम। इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो आपका ये आ रखा है, जो ये d/dx आया है, इसको आप 0 के इक्वल रखिए, ये आ रखा है ना, तो आप इसको रखिए 4a² माइनस 2x² अपॉन में और स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0 खत्म, तो ये हो गया 4a² माइनस 2x² दैट इज 1, समझ रहे हैं 0, तो माइनस 2x² इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस 4a², माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पर x² इक्वल टू ये हो गया है a² / 4a² / 2, और 2 से काटेंगे तो यहां 2 आ गया है, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 और a² स्क्वायर रूट से ये a बाहर आ जाएगा, तो √2a, बात समझ रहे, √2a कौन आ गया, x आ गया। अगर आप x की वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं, इधर देखिए यहां पर पुट करते हैं, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप √2x पुट करते हैं यहां पर, तो क्या आएगा 4a² माइनस, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4a² माइनस 2a² आ जाएगा, तो y आपके पास कितना हो गया, y हो गया है स्क्वायर रूट और 4a² माइनस, कितना हमारे पास ये आ गया है √2 का स्क्वायर 2a², यानी कि 4 में से 2 गए तो 2a², यानी कि आपके पास आ गया √2a। देखिए आपकी जो ब्रेथ है वो भी √2a आ रही है, और जो आपकी लेंथ है वो भी √2a आ रही है, दोनों की दोनों सेम आ रही है, और सारे एंगल 90° के, ऐसा बंदा कौन होता है, वो होता है सर स्क्वायर। तो यानी ये तो प्रूव हो चुका है कि भाई ये स्क्वायर है, लेकिन हमें देखना होगा क्या इस वैल्यूज √2a पर ये मैक्सिमम है या नहीं है, उसे चेक करना बड़ा आसान काम होता है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम होगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बाय द डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सिंस द डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव हैंस इट इज द मैक्सिमम, ऐसे भी लिख सकते हो अगर टाइम कम है तो। और अगर टाइम कम नहीं है ब्रदर, आपने ये जो मैंने समझाया जल्दी से सोल्व कर लिया वहां पर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये, तो आप क्या करना, तब आपको वो डबल डेरिवेटिव आपको यहां शो करके दिखाना होगा। यहां पर जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसको यहां पर चेक कर रहा हूं, अगर डबल डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आ गया
तो डेफिनेटली जो मैंने वैल्यूज निकाली थी रूट टू ए लेंथ और ब्रेड दोनों की दोनों रेक्टेंगल की, यानी कि जो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल निकाली थी, स्क्वायर उससे बनाया था, प्रूव करा था मैक्सिमम के लिए, तो हमें देखना होगा कि अगर ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट मेरा नेगेटिव आ गया तो वो सच में मैक्सिमम होगा। तो इसे किस तरह से सोल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन रूल याद आ रहा होगा सर, बिल्कुल आप सही समझ गए होंगे। तो पहले आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखिए, बिल्कुल आसान है, 4a² - x² डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर जो आपके पास यहाँ ऊपर है उसका डेरिवेटिव निकालिए, दैट इज आपके पास ये कितना होगा, 4a² का कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा और इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे -4x, ठीक है, माइनस। अब आप क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को यहाँ पर लिखते हैं 4a² - 2x² और डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, और मैंने आपको समझाया था सर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन पहले 2 लगा के पूरा का पूरा एज इट इज जैसा स्क्वायर के अंदर है वैसा लिख लो, और उसके बाद फिर दोबारा से इसका सोल्व करो तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और आएगा आपके पास, यहाँ 2 से सर आपका ये वाला 2 कैंसिल हो गया है, और अपॉन में याद होगा आपको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर आप करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हट जाना है थोड़ी देर में। अब आप यहाँ पे देखिए सर, आगे आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, आप ये 1 है और ये पूरा, समझ रहे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से आपके पास यहाँ पर आ गया है ये रहा, मैं ऊपर वालों का भी काम कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने और ये आ गया है 4a² - x², ठीक है, 1 ने इसको डिवाइड करा यही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4a² - x² और बाहर रहता है -4x और माइनस, यहाँ पर आप इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 4a² - 2x² और माइनस के x और यहाँ पर आपके साथ मल्टीप्लाई में रहते, और नीचे आपके पास क्या था, इसका स्क्वायर रूट करेंगे सर आप, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कर जाएगा ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये आपके पास कितना आ गया 4a² - x², ठीक है, बात समझ रहे। तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ, एक तरह से ये इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया है नीचे आपके पास आ गया यहाँ पर, या वैल्यूज भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यूज रखना चाहो वैल्यूज रख लीजिए, तो आपको पता है कि x = √2a निकला था, तो आप सीधा वैल्यूज रख लीजिए, ज़्यादा इसको सोचिए नहीं क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज को केवल नेगेटिव शो करना है, तो √2a जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a² - 2a², यानी कि 2a² बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई है -4 × √2a से, और जब आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इधर आप रखेंगे तो ये x² की जगह यहाँ पर आपने √2a रखा तो ये 2a बनेगा, और 2 × 4 और ये से माइनस होकर 0 हो जाएगा, 0 होगा तो ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, ये 0 हो गया, नीचे आपके पास यहाँ पर आप इसे रख रहे हैं तो ये आएगा आपका 2a² और यहाँ पर आपने इसमें रखा तो आपके पास यहाँ पर भी कितना आ गया है 2a², लेकिन रूट में है तो आपके पास हो गया √2a, बात समझ रहे। तो आप कट भी कर सकते हैं सारा ऊपर मल्टीप्लाई में, या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस के 8√2 और यहाँ पर a क्यूब है अपॉन में डिवाइडेड बाई आपके पास है 2√2 और a क्यूब से आप a क्यूब को कैंसिल करिए, √2 से √2 को कैंसिल करिए और 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए -4, तो -4 यहाँ पर सो रहा है कि ये 0 से छोटा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। तो अगर हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हमने जो प्रूव करा था वो मैक्सिमम रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव आता तो वो क्या रहता, हमारा मिनिमम रहता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो करा है कि भाई जो भी रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर बनेगा उसमें स्क्वायर का एरिया